साहब ऐसा है हमारे यहाँ 40,000 जिन्नात हैं। देवा शरीफ में मतलब हम मरने के बाद भी फंसे रहे हैं और हजारों साल फंसे रहे हैं। एक मौलवी साहब थे यहीं पे देवा शरीफ में, उन्होंने कहा कि साहब जो मन्नत मांगनी हो आपसे, हाँ जो मांगनी हो मांग लीजिए और यहाँ से पूरी हो जाएगी। साहब बाबा तो हमारे 400 साल पुराने हैं, लेकिन साहब यहाँ पे 16-1600 साल के जिन्नात मज़ार पे ही ले आते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप जिस्म में थे तब भी आप यहाँ से बंधे थे, अब जिस्म छूट गया, रूह रह गई, तो रूह भी यहीं से बंधे। जब मरने का टाइम आता है और आप इसी मज़ार से बंधे रहते हैं तो हमारी मज़ार के ही जिन्नात जाते हैं। तो अब आपकी नौकरी लग गई, अब उसी नौकरी के दम पे आपका शादी ब्याह हो गया, उसी शादी ब्याह से बच्चे आ गए, तो पूरा परिवार जो है आपका वो इसी मजार पे श्रद्धांजलि रहेगा और यही आपके इष्ट हो गए, यही आपके भगवान हो गए, आप उनके कर्जदार हो गए, अब आप यहाँ आते रहिए। और जब हमारे यहाँ से काम हो जाता है तो हमारे यहाँ ये कसम दी जाती है कि इस मजार को छोड़ के आप किसी को नहीं मारेंगे। बंधक बना लेते हैं फिर है, स्पिरिट्स हैं इसीलिए लोग मजारों पे जाते हैं, है स्पिरिट्स हैं इसीलिए लोग मजारों पे जाते हैं। हाँ, वो खींच रहे हैं कुछ तो है, मजारों पे जाते हैं। अब कैसे होती हैं, इसका भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दे दूं। मजारों पे एक मौलवी साहब थे यहीं पे देवा शरीफ में, उन्होंने कहा कि साहब जो मन्नत मांगनी हो मांग लीजिए, हाँ जो मांगनी हो मांग लीजिए और यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो अच्छा, ऐसा उन्होंने पूरा दृढ़ता के साथ कहा। हाँ, हमने कहा चलिए हम पहुँचते हैं आपके साथ। हम थे, हमारे एक मित्र थे, आईपीएस अधिकारी थे, हम दोनों पहुँच गए। तो बोले साहब इसके बस चक्कर लगा लीजिए, मांग लीजिए। हमने कहा क्षमा करिए, पहले बताइए यहाँ काम कैसे होता है, हम चक्कर तब लगाएंगे, कोई ऑपरेटिव मैकेनिज्म है मजार का। बोले साहब ये ना पूछिए। तो वो जो हमारे साथ आईपीएस अधिकारी थे वो थोड़े से तेज थे जी। बोले भाई ऐसे हम लोग थोड़ी वो करेंगे, आए हैं। अच्छा, तो फिर ये समझेंगे भी। बोले साहब फिर हम घर आके आपको बताएंगे। बोले आइए घर। पहुंच गए घर आईपीएस महोदय के। हाँ भाई, उनको भी पावर से चिपकना था मौलवी साहब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है कप्तान। और नहीं जाना चाहता है नज़दीक पावर के। पावर के तो पावर से चिपकना था। पहुँच गए तो हम लोग बैठे हुए, तो बोले पहले हमारी ओर देखा, बोला ये साहब। बोले हमारे साथ कहीं हैं, कहीं पुलिस कहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं बोले। बोले साहब ऐसा है हमारे यहाँ 40,000 जिन्नात हैं देवा शरीफ में। हाँ, और ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 1982-83। बोले साहब 40,000 जिन्नात हैं और जिस समय कोई काम होता है तो मुतवल्ली कहता है हुजूर से, कब्र में बोलता है, तो वो कहते हैं कि काम पहले तौल लो कितना भारी है। हल्का काम है तो 2 जिन्नात चले जाएंगे, भारी काम है तो 10-12 चले जाएंगे, और बहुत भारी है तो 25-30 तक जाएंगे। अच्छा, लिमिटेशन है? है, हर वर्ग की उनके पास। हाँ, हर चीज़ का उनके पास कैटेगरी है। अगर बहुत बड़ा काम है तो कहने लगे, मान लीजिए किसी का सामान चोरी हो गया है, वो पता लगाना है कौन ले गया है क्या ले गया है, तो 1-2 जिन्नात काम कर देते हैं, चोर मिल जाएगा करें। लेकिन अगर किसी को नौकरी वगैरह दिलानी है तो फिर कम से कम 5-10 जिन्नात जाते हैं। तो बोले ये काम कैसे करते हैं? बोले साहब काम कैसे करते हैं, देखिए नौकरी आप जानते हैं, आदमी आदमी को ही देता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। मैं कहा बात तो सही कह रहे हो, इंटरव्यू तो होता ही है, बोर्ड बनता है, आदमी देता है, नौकरी ही देता है। अच्छा, उस ज़माने में इतना रिटर्न भी नहीं था 1980-82 में, तो डायरेक्ट इंटरव्यू से ही बहुत लोग बहुत नौकरियाँ अच्छी पा जाते थे। तो बोले उसमें वो जिन्नात जाते हैं और उस आदमी के दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, भ्रमित कर देते हैं और बस उसे ऐसे ही थोड़ा सा, वाह ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, और बस वो दस्तखत कर देता है साहब, काम हो जाता है। और जब हमारे यहाँ से काम हो जाता है तो हमारे यहाँ ये कसम दी जाती है कि इस मज़ार को छोड़ के आप किसी को नहीं मानेंगे। बंधक बना लेते हैं तरीके से। हाँ,
तो अब आपकी नौकरी लग गई, अब उसी नौकरी के दम पे आपका शादी ब्याह हो गया, उसी शादी ब्याह से बच्चे आ गए, तो पूरा परिवार जो है आपका वो इसी मज़ार पे श्रद्धान्वित रहेगा तो, और यही आपके इष्ट हो गए, कर्जदार हो गए, यही आपके भगवान हो गए, आप इनके कर्जदार हो गए, अब आप यहाँ आते रहिए। तो ये तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पे धर्मांतरण हो गया। हाँ वो तो हो गया, लेकिन अभी आप समझे नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने आपका नाम नहीं बदला, अभी आपको कोई अरबिक नेम नहीं दिया। मूल तो बदल गया, लेकिन आपका जब इष्ट बदल गया और आप एक नमाजी को अपना इष्ट मानने लगे, तो स्वाभाविक है आप सनातन से दूर हो गए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, जो जिसे भजता है उसे पाता है। तो आपने देवत्व को छोड़ दिया और आप किसको भजने लगे, भूत प्रेतों को। और जब आप जानते हैं कि जिन्नाती गए काम करने, अब इसका अंत सुनिए तो आप दहल जाएंगे। उसके बाद उन मौलवी साहब से पूछा गया कि मौलवी साहब ये तो बड़ा अच्छा है आपका लड़का, अभी कहने लगे हाँ साहब हमारा लड़का नौकरी ढूंढ रहा है। तो बोले आपने मज़ार से मांगी? बोले हमने तो नहीं मांगी साहब। तो बोले ऐसा क्यों है? कप्तान साहब ने पूछा ऐसा क्यों आपने नहीं मांगी? बोले साहब हमने इसलिए नहीं मांगी कि बाद में बड़ी छीछा लेदर, मैं तो फंस गया, अपने बेटे को नहीं फंसाना चाहता हूँ। तो बोले भाई क्या छीछा ले इधर है, जरा इसका ये अब लगा ऐसे कोई नया पिटारा खुला। हाँ बिल्कुल, ये तो एक नई फाइल खुल गई। अब लोगों ने कहा ये भाई क्या छीछा ले इधर। बोले साहब होता ये है कि जब आप मज़ार से बंध जाते हैं और जब आखिरी समय आता है, तो वहाँ आप अगर हिंदू हैं तो आप ये सोचेंगे कि आप मरते समय आपको हनुमान जी लेने आएंगे या शंकर जी के दूत लेने आएंगे, कर्मों अनुसार, या विष्णु दूत लेने आएंगे, है नहीं, यमराज आएंगे, यमराज जो भी होगा आपका। लेकिन साहब हमारे यहाँ जब मरने का टाइम आता है और आप इसी मज़ार से बंधे रहते हैं, तो हमारी मज़ार के ही जिन्नात जाते हैं और वही उस रूह को उस मज़ार पर ही ले आते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप जिस्म में थे तब भी आप यहाँ से बंधे थे, अब जिस्म छूट गया, रूह रह गई, तो रूह भी यहीं से बंधेगी। और उसके बाद जो काम आपने इन जिन्नातों से लिया है जब आप इंसान थे, वही काम ये जिन्नात अब आपसे लेंगे और इंसानों के लिए जो इस मज़ार पे आएंगे, नौकरी मांगने, औलाद मांगने, चीज़ें मांगने। तो अब हम तो साहब मरने के बाद भी यहीं बंधेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हमारा बेटा यहाँ बंधे। मुक्ति नहीं है, अब हम जिन्नात हो जाएंगे। तो हमने कहा आपके यहाँ 40,000? बोले साहब 40,000 जिन्नात तो हैं ही हैं और हर साल 500-600 बढ़ जाते हैं, क्योंकि और रूहें आ जाती हैं। अब ये आप बात कर रहे हैं ऐसी की, तो अब अगर उस हिसाब से तो लाखों में होंगे, क्योंकि देवा शरीफ लोग जाते ही हैं। अरे वो तो बड़ा सा मेला लगता है। जब आप फर्स्ट हाफ सोचते हैं कि यहाँ से चीज मिल जाती है, लेकिन सेकंड हाफ आप नहीं जानते हैं कि बाद में हार्वेस्ट होके यहीं आएंगे और हम भी जिन्नात बन के घूमेंगे, तो भैया ऐसी जगह आने से फायदा क्या, हम अपने देवता से मांगे जो हमारे कर्म में होगा और जो उसकी कृपा होगी हमें मिल जाएगा। तो मुक्ति तो मिलेगी जीवन में, मतलब हम मरने के बाद भी फंसे रहे और हजारों साल फंसे रहे। तो हमने ऐसे ही पूछ लिया, हमने कहा साहब ये देवा शरीफ में आपका जो सबसे पुराना जिन्नात कितना है? बोले साहब बाबा तो हमारे 400 साल पुराने हैं, लेकिन साहब यहाँ पे 16-1600 साल के जिन्नात। तो ये वो लोग कैसे, कौन से पैरामीटर से कंफर्म करते हैं? अब वो जिन्नात खुद ही बताते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, यही चीज़ स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य ने भी हमको बताई। आपकी वार्ता हुई उनसे? हाँ, उनसे मेरी वार्ता हुई। मेरी असल में उनका जो स्टाफ ऑफिसर हैं वो हमारे काफ़ी करीब थे, ब्रह्म विद्यानंद जी। अच्छा, तो ब्रह्म विद्यानंद जी ने उनसे मुलाकात करवाई, मेरी उनसे वार्ता हुई एक बार। तो मुझसे बोले कि मेरे पास भी कुछ अघोरी आए थे, तो यहीं पे इंदौर में एक मज़ार है, उज्जैन में, सॉरी, मैंने वहाँ उनको भेजा। तो उन अघोरियों ने जाके कहा कि साहब वहाँ पे करीब करीब 1300 मृतात्माएँ हैं उस मज़ार पर। तो उसके बाद उसके मौलवी को बुलवाया शंकराचार्य जी ने, तो खैर वो चले आए सद्भावना में। अच्छा, मौलवी जी गए शंकराचार्य? हाँ गए, सद्भावना में चले आए।
तो स्वरूपानंद जी ने कहा कि भाई तुम्हारी मज़ार पे तो 1300 इतने जिन्नात हैं। तो मौलवी घबरा गए, बोले साहब आपको कैसे पता लग गया, ये तो बिल्कुल सही संख्या आपने बता दी। सिगरेट खोल दिया। तो बोले कुछ नहीं, हमारे दो अघोरी आए थे साधक बनारस से, उन्होंने और उज्जैन महाकाल ही जा रहे थे, तो उनसे हमने कहा कि भाई, तो बोले हम पता लगा के। आप तो बोले साहब कैसे उन्होंने पता लगा लिया? तो बोले वो उनकी अपनी विद्या है। तो खैर मैंने भी शंकराचार्य जी से पूछा, हमने कहा गुरु जी ये विद्या तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप थोड़ा बहुत बता दें। तो बोले कुछ नहीं बेटा, ये इसमें भैरव के कुछ मंत्र हैं और मसानी देवी के मंत्र हैं, जिनका जप करने से अदृश्य शक्तियाँ या अदृश्य जगत दिखाई देने लगता है। तो जब आप नहीं जपेंगे वो मंत्र तो वो नहीं दिखेगा। तो वो लोग गए, बस उन्हीं मंत्रों का पाठ करते हुए जितने जिन्न थे सब ने हाजिरी दी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी जो बात चल रही है वो जनगणना की, जाति जनगणना की, और आपने बात कर दी भूतों को प्रेतों की जनगणना की। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। देखिए ऐसा है, सनातन विज्ञान बहुत वर्टिकल है, हम लोग इसे ऊपर ऊपर सतही स्तर पे देखते हैं, लेकिन जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। अगर आप गहरे पानी बैठेंगे तो फिर बहुत चीज़ें हैं जो निकल के आएगी। हम लोगों ने इसमें समय खपाया है जानने में, तो और आप लोग ऐसे हैं जो इस ज्ञान के टेकर हैं, गिवर तो बहुत बैठे हैं, गिवर तो बहुत बैठे हैं, टेकर नहीं। तो